देहरादून के कालसी वन प्रभाग की टिमली रेंज से वन्य जीवों के शिकार की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मिट्टी में दबे वन्य जीव के अवशेष मिले हैं। बताया जा रहा है कि वन अधिकारियों ने मौके पर वन्य जीव के अवशेष बरामद किए हैं, जिसके बाद अवशेषों को फोरेंसिक के लिए भेजा गया। हालांकि मामले पर बात करते हुए वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि फिलहाल बरामद अवशेष किसी वन्य जीवी के है या नहीं बता सकते। किसी वन्य जीव के कुछ अवशेष हैं तो मौके पर स्टाफ को भेजा गया है। उनके द्वारा कुछ स्किन के टुकड़े वहाँ से बरामद किए गए हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने वो टुकड़े काट कर वहाँ पर फेंके हों, तो उसकी वन्य जीव की पुष्टि होने के लिए हम उसे अभी अपने जाँच के लिए उसे भेज रहे हैं आगे। अगर जो उसमें किसी वन्य जीव के मांस की पुष्टि होती है, वन्य जीव के शिकार की पुष्टि होती है, तो उसी प्रकार कार्रवाई की जाए।